तो फ्रेंड आज मैं लाई हूँ आपके लिए चटपटा हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। इस नाश्ते को आप चटनी के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, बिना चटनी और सॉस के साथ भी आप खा सकते हो। तो बनाना नमस्कार शुरू करते। फ्रेंड, मैं प्रमिला आई एन डी चैप में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो फ्रेंड, इसे बनाना शुरू करते हैं। जो हमने इतनी सारी सब्जियाँ ले ली है, प्याज लिया है, गाजर, गोभी, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, कटे हुए टमाटर। फ्रेंड्स, और भी इसमें सब्जियाँ आप ले सकते हो। तो इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो सारी सब्जियों को हम रख लेंगे साइड में और एक इस तरह से बर्तन लेंगे। तो एक कटोरी बेसन ले रहे हैं फ्रेंड्स। बेसन को बर्तन में डाल लेंगे। तो बेसन को पहले से हम छान के लिए हैं, जब भी लेना है बेसन को छान के लेना है। साथ में ले रहे हैं एक कटोरी सूजी। सभी को बर्तन में डाल लेंगे। बेसन जो लगा है कटोरी के अंदर, इसे भी अच्छे से झाड़ लेंगे और इसे एक। तो फ्रेंड, ये हमने बेसन और सूजी को मिक्स कर लेना है। पहले ऐसे कुछ मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो इसी तरह से घोल लेते हैं पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे एक इतना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि हमारी सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए। इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं। कटे हुए टमाटर डाल लेंगे इसी के अंदर, एक गाजर और ये प्याज, साथ में गोभी है, ये हरी मिर्च डालेंगे और धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, और भी आप सब्जियां इसके अंदर ले सकते हो, जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, हरा मटर, और भी जो आपको सब्जियां पसंद है वो इसके अंदर ले सकते हो। तब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो मसाले घर के बने हुए हैं। 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई भी लाल मिर्च आप ले सकते हो यहाँ पे, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, स्पाइसी बनाने के लिए कुटी हुई काली मिर्च, 2 पिंच हींग, चटपटा बनाने के लिए आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून। तो फ्रेंड अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो भी है अवेलेबल। सभी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं सारी सब्जियों और मसाले को, इसी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है, साथ में हेल्दी भी है ये नाश्ता। तो फ्रेंड ये हमने ले लिया ग्रेट करने वाला आलू। आलू को इसी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, इसके अंदर आलू भी लेंगे। अगर आपको आलू पसंद है तो आप आलू लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो आलू को पहले से हमने छील के धो के अच्छे से साफ करके रख लिए थे, इसी तरह से आलू को भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो देख पा रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड हमने आलू को ग्रेट कर लिया, अब आलू को भी इसी में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ में पानी भी लेंगे। तो पानी हमने 3 कटोरी का यूज कर लिया है फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से पहले इसी तरह से घोल लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, फिर नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे सारी सब्जियों को इसी तरह से। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से घोल चाहिए, उस तरह से हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड गैस को हम जला लिए हैं और एक बर्तन चढ़ा लिए हैं और इससे गरम कर लिए और इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून तेल लिया। तेल को भी अच्छा सा गरम कर लेंगे। तो फ्रेंड फिर 1/2 टेबल स्पून जीरा लेंगे, जीरा को थोड़ा सा सुनहरा करेंगे। तो फ्रेंड जीरा मेरा सुनहरा हो गया है, ये अदरक डाल लेंगे। आप इसके अंदर लहसुन भी ले सकते हो, आज हम लहसुन नहीं लिए हैं। अगर और इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून अजवाइन डाल लेंगे,
इनको इन सभी को अच्छे से थोड़ा से मिक्स करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है, इसी तरह से थोड़ा से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा है सभी को इसी के अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड डाल के इसे हम चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो इसमें जो हमारे है लम्स बनने लगेंगे, ये ढोकी ढोका होने लगेगा, तो इसे बराबर चलाते रहना है। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे हम मिक्स करते हुए इतना गाढ़ा पका लिए हैं, इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। इसी तरह से एक जैसे आटा बनता है ना, आटा जैसे आप लगाते हो रोटी का, वैसे ही थोड़ा हम पकाएंगे सारी सब्जियों को, बेसन और सूजी को इसी तरह से हमें पका लेना है, लगातार चलाते रहेंगे। देख पा रहे होंगे आप पहले से ही हमारा बहुत ये मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया है, तो इसी तरह से इसे पकाते रहेंगे, गैस को मीडियम रख के ही पकाएंगे। तो बहुत ही सरल है इसे बनाना, बहुत ही आसान है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक इस रेसिपी को जरूर देखना बनाने के लिए। फ्रेंड्स देखो इसी तरह हमें बनाना है। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे ये हमारी कढ़ाई जो है नीचे से छोड़ने लगी है, ये जो हमने अच्छा सा आटे जैसा डो बनाया है, तो ये हमारा क्या है कि पक गया है। अब हम गैस को कर लेंगे बंद, ये हमें 5 मिनट लगे हैं इसे पकाने में, 5 से 7 मिनट। तो फ्रेंड इस तरह से एक हमने थाली ले लिया है, थाली के अंदर थोड़ा सा तेल हमने डाला और इसे अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लिए। तो फ्रेंड अगर आपके पास ब्रश ना तो हाथों से भी इसे ग्रीस कर सकते हो, तो इसी तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और ये जो हमने डो बना के तैयार किया है इसी के अंदर ऐसे निकाल लेंगे सारे डो को, सब्जियों का, बेसन, सूजी का, तो इसी तरह से निकाल लेना है सभी को। तो फ्रेंड हमने सभी को निकाल लिया है, अब इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो पहले इसी तरह से फैला के इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हम गर्म ही काट रहे हैं, आप जब भी बनाना थोड़ा ठंडा करके काटना। तो इसी तरह से हम जैसे एक मिठाई का शेप देते हैं उसी तरह से हम इसे शेप दे देंगे, आप पतला मोटा चौड़ा जैसा भी आपको लेना है वैसे ले सकते हो। तो इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से हम पीसेस पीसेस कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड फिर से हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, जो कढ़ाई हमने लिया था वही कढ़ाई है, गैस को फिर से जला लेंगे, कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे, तेल को अच्छा सा गरम करेंगे। तो फ्रेंड तेल को चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं। तो तेल हमारा अभी गरम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और गरम कर लेंगे तेल को। तो फ्रेंड तेल हमारा अच्छा सा गरम हो गया है, एक एक पीस निकाल के हम इसी तरह तेल के अंदर डाल लेंगे। इसी तरह से हम कुछ डाल लेते हैं और इसे अलट पलट के फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड पहले हमने तेल को गरम किया अच्छा सा, फिर इसके अंदर डाले हैं, फिर गैस को मीडियम करके फिर इसे सुनहरा होने तक हम इसे अलट पलट के ऐसे ही पकाएंगे। बहुत ये टेस्टी नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके और कमेंट करके जरूर बताना बनाना और खाना, ठीक है? फिर हमें बताना कि ये हमारे नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड चेक कर लेते हैं दोनों तरफ कैसा हमारा ये पका है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से मेरा ये ब्राउन हो गया है। इसे क्या करेंगे, एक इस तरह से छन्नी लेंगे और इसके अंदर हम चम्मच से उठाते हुए इसे डाल लेंगे। आप पौनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे छानने में, इससे क्या है ना इसका तेल जो है अच्छे से निकल जाएगा। इसी तरह से सारे को तेल निकालते हुए इसे फिर हम बाहर निकालेंगे, बाकी जो हमारे पास बचा है उसे कढ़ाई के अंदर इसी तरह से डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड ये मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। कुछ
बहुत ही क्रंची बनी है ये रेसिपी, ऊपर से क्रंची है अंदर से सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के टिफ़िन में दो या सफ़र में जाओ, बहुत ही ये टेस्टी है। तो आप अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।